की आशा है। ब्राजील में बेटिंग को मान्यता नहीं है। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे कैंपाकोला की। कैंपाकोला जो देख चुका है अब तक कई काउंटडाउन, क्या ये होगा उसका आखिरी काउंटडाउन? हम जिस फाइनल काउंटडाउन की बात कर रहे हैं, आज 12 तारीख को 5 बजे इसकी मियाद खत्म हो गई और मियाद खत्म होते ही लोगों के बीच भय का वातावरण और बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई महानगर पालिका ने 12 तारीख की 5 बजे तक की मियाद दी थी और चाबियों को सौंप देने का आदेश दिया था, लेकिन का बताया ये जा रहा है कि अब तक चाबियाँ BMC तक नहीं पहुँची हैं बहुत सी, हालांकि मकान कई लोगों ने खाली कर दिए हैं। कैंपाकोला अपने आप में इतना चर्चा का विषय बन गया कि इस पर मुख्यमंत्री तक को दखल देना पड़ा। मुख्यमंत्री ने इस पर बयान भी दिया, हालांकि उनके बयान उनके समर्थन में नहीं था, लेकिन उम्मीद लोगों को जागी थी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है, लगातार इस मामले पर लोगों की नज़र रही। कैंपाकोला अपने आप में एक विवाद बन गया। कैंपाकोला को लेकर बहुत सी राजनीति हुई, कैंपाकोला को लेकर कई आदेश पारित हुए। कैंपाकोला को ही नज़र में रखकर BMC ने कई जगह पर नोटिसेस देने जारी रखी। कैंपाकोला को लेकर जिस तरह की स्थितियां बनी उसे लेकर लोगों में भय भी है, हताशा भी है, उम्मीद भी है, और कैंपाकोला अपने आप में एक मिसाल बनने जा रहा है। आने वाले दिनों में कैंपाकोला की बुनियाद पर बहुत से फैसले होंगे। अगर कैंपाकोला के पक्ष में कोई बात जाती है तो इसे एक भूमिका के रूप में हमेशा रखा जाएगा। अगर कैंपाकोला के खिलाफ मामला जाता है पूरी तरह से, जैसा कि अब तक हुआ है, तो इसी को आधार बनाकर कई याचिकाएं, कई मामले निरस्त किए जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे कुछ अतिथि जुड़े, इससे पहले ताज़ा तरीन जानकारी ले लेते हैं वहीं के रिहायश पजीर विभा जी से, जो इस मामले के भुक्तभोगी हैं। विभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज में। हम समझ सकते हैं आप लोगों पर क्या गुजर रही है, लेकिन 5 बजे तक की जो आप लोगों को मियाद दी गई थी वो समाप्त हो गई है, आप लोगों ने अब क्या सोचा है, क्या स्थिति है वहां पर? हम लोग ने तो निर्णय ले लिया था कि हम चाबी नहीं देंगे और हम चाबी नहीं देंगे, ये तो ये अब BMC कुछ भी करे आके हम लोग यहीं पे दृढ़ करके यहीं पे बैठे हुए हैं। हम लोग का सामान जरूर पैक किया और निकाल घर से बाहर भेज दिया है, क्योंकि उसको बस हिफाजत के लिए, लेकिन हम लोग यहीं पे रहेंगे और यहीं पे देखते हैं BMC क्या करती है। ये बहुत खेल हो गया हम लोगों के साथ कि ये लोग ऐसे ही हर टाइम हम लोग कितने सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि कुछ समझौता निकालो, लेकिन उनको निकालने की इच्छा ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कितने लोग हैं कहाँ जाएंगे, नया घर कहाँ ढूंढेंगे? हम लोग सीनियर सिटीजन भी हैं इधर, और हम लोग को लोन कौन देता है नए घर खरीदने के लिए? तो यहाँ तो हम लोग अभी गुस्सा का बहुत है और निराशा भी है, लेकिन गुस्सा बहुत है, लेकिन इसी समय हम लोग की उम्मीद भी है कुछ गवर्नमेंट से, शायद कुछ तो मिलेगा हमारी गवर्नमेंट से। विभा जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और फाइनल BMC द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद 5 बजे तक आप लोगों को खाली कर दिए जाने की स्थिति बन चुकी है, ऐसे में आपको अब कहां से उम्मीद नजर आ रही है कि अब भी आप लोग आस लगाए बैठे हैं? हम लोग यही होप कर रहे हैं कि शायद कोई भी पॉलिटिशियन या चीफ मिनिस्टर का दिल बदले
नहीं तो हम लोग तो बस इधर ही झगड़ा करेंगे और यहीं पे खड़े रहेंगे, हमको घर से बाहर निकालने दीजिए। अब तक की जो भूमिका रही है मुख्यमंत्री की, उसे लेकर आप लोग काफी रोष में हैं। आपको लगता है कि क्या अब मुख्यमंत्री जी कुछ और भी निर्णय ले सकते हैं आप लोगों के पक्ष में जाने का? पता नहीं ये मिनिस्टर क्या करेंगे, तो आज तक तो कुछ नहीं किया है, लेकिन हम लोग फिर भी होप करते हैं शायद विपक्ष के लोग उनके ऊपर कुछ दबाव डाल के हमारा काम करवा दें, हम लोग की घर बचाएं। काम क्या है, हमारा घर बचाना है जी। बात मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, केंद्र में सरकार बदल चुकी है, क्या केंद्र के वर्तमान सरकार से कोई मध्यस्थ आप लोगों के बीच आया है जिससे आप लोगों को कोई उम्मीद जगे? जी हाँ, हमें तो कुछ उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी ने कल पार्लियामेंट में बोला है कि 2018 तक सबको सबके सर के ऊपर एक छत होगा। यहाँ आज हमारा छत छीना जा रहा है जी, छत छत सबके सर पर हो, साया हाँ। सबके सर पर हो, ऐसी उम्मीद सभी को है, और जिनके सर पर साया है उनके सर से साया उजड़ रहा हो तो ये बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। मामला तकनीकी है, मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का है, इसलिए बहुत कुछ निर्णय लेने में अधिकारीगण भी अपने आप को मजबूर पा रहे होंगे, और सरकार के लिए तो बड़ा आसान है कह देना कि कोर्ट ने ये निर्णय ले लिया है। सरकार की इच्छा शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। विभा जी और विभा जी के साथी इस मामले में फिलहाल इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अभी वो चाबियां नहीं दे रहे हैं और नहीं देने के मूड में हैं। मामला कहां तक जाता है इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है, और ऐसे विषय पर हम बात करने के लिए कुछ अपने अतिथियों के साथ भी और अन्य अतिथि भी हमारे साथ मौजूद है। विभा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जरूर दोबारा आपसे और आपके साथियों से संपर्क करेंगे, जो कुछ मीडिया से बन पड़ रहा है वो आपके साथ है, लेकिन तकनीकी अड़चनों से और कानूनी पहलुओं से निपटना आप लोगों को ही होगा, बाकी आप लोगों के साथ बहुत से लोगों का साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी विभा श्रीनिवासन। मामला 5 बजे तक का था और 5 बजे तक मामले को कोई मध्यस्थ आया नहीं और बीएमसी को चाबियां नहीं सौंपी गई हैं और न सौंपी जाएंगी, ये निर्णय कैंपाकोला के रहवासियों ने लिया हुआ है। हालांकि वो अपने घरों से सामान निकाल रहे हैं, वो सुरक्षा की दृष्टि से है। बहुत कुछ निर्णय करता है, निर्भर करता है अब उन लोगों पर जिन्होंने इस मामले में अपनी भूमिका रखी हुई है। क्या भूमिका रखते हैं, कुछ लोगों की नकारात्मक है, कुछ लोगों की सहयोग की है, नतीजा क्या निकलता है ये आने वाला बताएगा। लेकिन 5 बजे तक की मियाद खत्म होने के बाद वहां के लोगों ने चाबियां नहीं सौंपी है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद राघव खैरनार जी। खैरनार साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आर खैरनार जी अपने आप में एक जाना माना नाम, मुंबई महानगर पालिका के रिटायर्ड उपायुक्त हैं। हमारे साथ अशरफ आजमी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नगर सेवक हैं, उसके नेता हैं, फायर ब्रांड माने जाते हैं। अशरफ आजमी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अनिल गलगली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, कई ऐसे मामलों पर उनकी लगातार नजर बनी रही है। खैरनार साहब आप और अशरफ आजमी साहब हमसे थोड़ा थोड़ा सा बातें कर लें, क्योंकि अनिल गलगली जी को उनकी कुछ और भी अपॉइंटमेंट्स है इसलिए उन्हें निकलना है, तो उनसे एक फाइनल बातें कर लेंगे फिर हम आप लोगों के साथ जारी रखेंगे। अशरफ साहब बहुत संक्षेप बताएं कि क्या अब क्या करेंगे, क्या होगा यहाँ के निवासियों का? देखिए सलमान भाई, ऐसा है, ये मामला जो है कानून का है, कायदा अपनी जगह है, जो चीज़ हमने कानून बनाई है बनाया है उसके ऊपर पालन करने का काम जो है वो प्रशासन का होता है। लेकिन मैं इस विषय पर एक मिनट में आपको बता दूं कि ये मामला क्या है। असल में ये मामला ये है कि आईओडी लेने के बाद उस ज़माने में उस बिल्डर ने आईओडी के बियॉन्ड जाकर उस तरह के और माले बनाए और घर बनाए, और उस ज़माने में ये होता था कि आईओडी लेने के बाद वो शायद मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो इंडस्ट्रियल जोन था, तो इंडस्ट्रियल जोन में उनको जाते थे यूडी में और यूडी उसको चेंज करके आर जोन कर दिया करती थी। अब ये 1967 अब प्रॉब्लम ये है कि 1900 उस बिल्डर ने जो कुछ भी किया 1991 के बाद डीसीआर बदल गया, डीसीआर में जो नए रूल आए उस रूल के हिसाब से ये मामले को जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया, वहाँ सीआरजेड आ गया, सीआरजेड आने के बाद ये प्रॉब्लम्स और भी कॉम्प्लिकेशंस हो गए और उसके बाद ये मैटर कोर्ट में चला गया। मुंबई शहर में ऐसा नहीं कि इस तरह के और मामले नहीं है, बेशुमार है, बहुत सारे मामले लेकिन हैं, लेकिन एक मामला अगर कोर्ट में आ गया और कोर्ट अगर सारी चीजों को रखकर कायदे की बात करता है तो कायदा वही है जो कोर्ट बता रहा है, लेकिन मामला अब एक कुछ लोगों के 102 लोगों की छतों से जुड़ा है,
सरकार की उदासीनता इस बात को दर्शाती है कि उनको इस बात की पड़ी नहीं है कि एक आम आदमी जो है कितनी मुश्किल से अपना घर बनाता है, किस तरह से उसको सारे मामलात मिलते हैं। आज कितनी चीज़ें ऐसी ओसी दे दी गई है और कंप्लेंट्स हैं उस पर, और वो कंप्लेंट्स होने के बाद बेशुमार कैंपाकोला बनेंगी, बहुत सारे। जी कैंपाकोला पे बात आ रही है, कैंपाकोला ऐसे कई कैंपाकोला शहर में है जिस पर अभी तक नजर नहीं पड़ी है, नजर पड़ी भी है तो मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी इस मामले में उदासीन है। खैनार साहब, इसके कई पहलू हैं, इसका कानूनी पहलू भी है, इसका टेक्निकल पहलू भी है, इसका मानवीय पहलू भी है, किस पहलू को देखते हैं आप, जिसके साथ चला जाए, जिसका साथ दिया जाए, क्योंकि मामला कानूनी भी है, इसका तकनीकी मामला भी है जिसमें अड़चनें डाली हैं अधिकारियों ने, और एक मानवीय पहलू भी है, वर्षों से जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो बेघर हो गए हैं, कानूनन तो बेघर हो ही गए हैं, एक ढांचा वहां पर खड़ा है जिसमें उनका साजो सामान था, जिसे वो अब निकाल रहे हैं, अपने नए आशानी में ले जा रहे हैं, कोई किराए के घर में जा रहा है, कोई रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है ये वही जानते हैं। तो इन तीनों पहलुओं में आप कहाँ पाते हैं आम लोगों को, आम लोग इसमें क्या सोचें और उनके लिए क्या किया जा सकता है? आज की स्थिति का अगर हम विचार करते हैं जी, तो ये मामला जो है वो अधिकारी शासन प्रशासन की संवेदनहीनता इतनी नीचे गिर गई है कि उनको लोगों को मदद करने के एवज में कानून का दुरुपयोग कर लोगों को कैसे सताया जा सकता है, ये महानगर पालिका लोगों को दर्शा रही है। वैसे जो हमारी प्रजातंत्र प्रणाली है उसमें कानून में रहकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हमने करना चाहिए, कानूनी दायरे में रहकर जितनी मदद की जा सकती है, खैरार साहब का यही मानना है कि कानून के दायरे में रहकर इनकी मदद की जानी चाहिए, और मदद से अगर जो लोग इनकार कर रहे हैं उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि गलतियां बिल्डर ने और कॉन्ट्रैक्टर ने और उस दौर के अधिकारियों ने की हैं, जिसका खामियाजा वहां रहने वालों को भुगतना पड़ रहा है। अनिल जी, हम जानते हैं आपको जाना है, कुछ बातें आपके साथ। अनिल जी, इस पूरे प्रकरण पर जैसा कि हमने कहा कि इसमें कानूनी पहलू भी है, इसमें तकनीकी पहलू भी है, इसमें मानवीय पहलू भी है, क्या है, क्या मामला है, अंतिम डेडलाइन हो चुकी है, सरकार का क्या रुख है और सरकार क्या चाहती है, आप क्या आपके नजरिए से क्या देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पर पूरा मामला तो अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है, और कोर्ट में स्वयं वहाँ के नागरिक चले गए थे, तो जब ये कोर्ट में चले गए थे तो उन्होंने जो एक छोटी सी गलती की, उन्होंने उस वक्त किसी भी बिल्डर किसी भी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग नहीं की, उन्होंने सिर्फ पानी के लिए अपना आवेदन किया था, पानी का जो बिल डबल आ रहा था उसे बचाने के लिए वो कोर्ट में चले गए। मगर जैसा भी अशरफ आजमी जी ने बताया कि 1991 में जो DCR रूल आया, उस रूल के मुताबिक अगर आपकी IOD के बिहाइंड आपने अगर काम किया हो तो निश्चित तौर पर अवैध माना जाता है। वैसे आज मुंबई शहर में हम देखेंगे तो 50-25 से अधिक ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनमें DCR रूल का उल्लंघन पूरी तरह किया गया है, और महानगर पालिका के पास उसके आंकड़े भी नहीं है। कैंपाकोला जैसे कई कैंपाकोला पूरे मुंबई शहर में है, मगर कैंपाकोला का मामला 81 से लेकर 2014 तक कई मतलब अलग अलग दृष्टिकोण से चला। जैसे सिंधेवाड़ी कोर्ट में वो तभी उस वक्त के बिल्डर और कुछ लोगों पर भी महानगर पालिका ने जो अर्जी की थी उस पर कार्रवाई भी हुई और लोगों ने तभी अपना जुर्म भी कबूला था। तो कहीं ना कहीं तो जैसे खैनर साहब ने भी कहा है, क्योंकि 20 से 25 साल से अधिक अगर अवैध निर्माण होते हैं तो उसे कहा ना कहा तो कानूनन दृष्टिकोण बदल कर उसे मदद करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज उल्लासनगर है, ठाणे है, वहाँ भी कई अवैध निर्माण को मदद करने का काम सरकार ने किया है। मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला इतना पेचीदा बन गया है, अगर राज्य सरकार मुख्यमंत्री अगर इसमें डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं तो निश्चित तौर पर इन लोगों का आशियाना बच सकता है। इनके आशियाने को बचाए रखने के लिए आपने देखा कई राजनेता सभी दलों के करीब करीब इसमें मामले में आए। इस मामले में लता मंगेशकर जी का ट्वीट आया, इस मामले में राज ठाकरे आए, इस मामले में मिलिंद देवरा सहित कई अन्य वहां के स्थानीय नेता, शिवसेना के अरविंद सावंत, उस चूंकि चुनाव का मामला था, लोगों को लग रहा था शायद ये चुनावी सरगर्मियों का हिस्सा न बन जाए अखाड़ा न बन जाए, और बहुत सहमे डरे हुए थे वहां के लोग। ऐसे में आपको लगता है कि वो राजनेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे अब राज्य में चाहे अब केंद्र में, उनकी इच्छा शक्ति लगती है क्या कैंपाकोला के 102 फ्लैट धारकों के लिए वो अपना सब कुछ दाव पर लगाकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे, या आपको लगता है कि ऐसा कर देने से आने वाले दिनों के लिए एक नज़ीर पैदा कर दी जाएगी कि कैंपाकोला के साथ अगर मानवीय
मानवीय रुख अपनाया गया था तो बाकी जगहों पर क्यों नहीं? तो सरकार की क्या इस मामले में उहापोह की स्थिति नहीं है? निश्चित तौर पर, क्योंकि जो आज राजनेता इसे मदद करने के लिए आ रहे हैं वे खुलकर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ पत्र लिखने से, टीवी पर बयान देने से आप किसी को मदद नहीं कर सकते हैं। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, चाहेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, मगर अवैध निर्माण का मामला है, क्योंकि हर एक को अपनी छवि को बचाना है, अपनी इमेज को बचाना है। राज्य सरकार भी क्यों नहीं कर रही है, उसकी भी एक मजबूरी है, क्योंकि आज पूरे मुंबई, ठाणे और पूरे महाराष्ट्र में 5.5 लाख से अधिक ऐसे अवैध निर्माण है जिन्हें कैंपा कोला की तर्ज पर उन्हें वैध करना पड़ेगा। जिस तरह से मुंबई शहर में कुराड़ पैटर्न चालू किया गया, उसी तरह से कैंपा कोला पैटर्न कहीं शुरू न हो, इस डर के वजह से सरकार भी 2 कदम पीछे हट रही है। अगर मौजूदा जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो चाहेगी तो निश्चित तौर पर मदद हो सकता है। आपको लग रहा है कि इस मामले में कुछ जो लोग केंद्र में हैं उस पार्टी से जुड़े हुए लोग, वहां का सांसद अब शिवसेना का है, शिवसेना के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए से के घटक दल के लोग इस मामले में कोई पहल करते नजर आ रहे हैं केंद्र की तरफ से, आपको ऐसा लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा आज जो राज्य में सबसे बड़ा विपक्ष है, विपक्ष की ताकत है, वो चाहेंगे तो अमेंडमेंट करने के लिए सरकार पर दबाव बना सकती है। आप कई बार अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपने व्यक्तिगत कामों के लिए आप जांच की मांग करते हैं, लेकिन यहाँ 102 लोगों के आशियाने अगर उजड़ रहे हैं तो विपक्ष को भी मजबूती से खड़ा होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो उनके जो प्रतिनिधि है, आज मुंबई से 6-6 सांसद चुनके गए हैं, और यही सांसद जो इसके पहले कैंपा कोला के साथ खड़े थे जब चुनाव नहीं थे। चुनाव होने के बाद अगर आप अपना रंग बदलोगे तो निश्चित तौर पर अन्याय होगा। चाहेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ का विपक्ष सरकार पर दबाव बनाकर, एक अपनी अलग पॉलिसी बनाकर, जो पुरानी पॉलिसियों में अमेंडमेंट करके अगर कैंपा कोला को कहा ना कहा तो राहत देने का काम किया जा सकता है। मगर यानी आपको लगता है कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है? यस यस, लेकिन मिल नहीं रही है। लेकिन यहाँ राजनीति हो रही है, हर आदमी को अपनी कमीज कैसे साफ है, अपनी कमीज। अनिल जी बने रहे, खैरा साहब, क्या सचमुच में लोग अपनी कमीज की फिक्र ज्यादा कर रहे हैं जैसा कि अनिल जी कह रहे हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। ये जो अभी मोदी साहब गंगा को सफाई करने जा रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि जो भ्रष्टाचार की गंगा जो बह रही है पूरे भारत भर में, दक्षिण लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो गंगा साफ करने की ज्यादा आवश्यकता है। भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा वो गंगा जिसे भ्रष्टाचार से दूषित कर दिया गया है। खैरनार साहब मानते हैं कि इस पूरे भ्रष्टाचारी तंत्र को, अशरफ साहब क्या अनिल जी मानते हैं कि इसमें मदद हो सकती है? एक मदद तो ये भी हो सकती थी, थोड़ा सा उनके जख्मों पर मरहम लगता अगर अधिकारियों पर और बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई होती। आपको लगा कि इस तरह की कोई कार्रवाई हुई उन पर? बड़ी आसानी से इस विषय को सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मैटर गया था, जो एप्लीकेशन थी वो एप्लीकेशन पे ही चर्चा होकर रह गई, और ये नहीं कहा गया उसमें कि भाई इस किसी पे कार्रवाई हो। इसलिए आज खुद हुकूमत भी इस बात के लिए तैयार नहीं कि उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो। उस वक्त जो बिल्डर थे वो शायद अब दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से पहल नहीं हो सकती थी? नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि कैंपा कोला के ऊपर जब चर्चा शुरू हुई महानगर पालिका में, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कमेटी की बात बता रहा हूँ मैं, इस पे चर्चा हुई, बाद में ये कहा गया कि भाई इस पे बहुत ज्यादा बातें इसलिए नहीं हो सकती कि कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का है। अनिल जी, ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जब मामले को सुप्रीम कोर्ट या किसी भी निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मामला जब चलता होता है, अधिकारी गण और नेतागण अक्सर जब भी मामला न्यायालय के विचाराधीन होता है ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है। क्या ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों को भी बेनकाब नहीं किया जाना चाहिए? बात सिर्फ 102 मकानों की नहीं है, बात उनके आशियाने की उजड़ने की नहीं है, बात विश्वास की है, बात उनके साथ किए गए विश्वासघात की है, और भ्रष्टाचारी अधिकारियों से मिली भगत की भी है। निश्चित तौर पर, क्योंकि जो आज इतने सालों से जिन अधिकारियों ने इस तरह के अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया या मदद किया, रिश्वत लेकर उसे मदद करने का काम किया, ऐसे किसी भी अधिकारी पर महानगर पालिका ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब हमने आरटीए से पूछा था तो सरकार ने और जो महानगर पालिका ने ऐसा बताया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है। आज इस कैंपा कोला मामले में 80 लाख रुपए सरकारी वकीलों पर खर्च किए गए हैं। अगर आप उन अधिकारियों पर कार्रवाई करते तो निश्चित तौर पर कैंपा कोले वालों को भी थोड़ा अच्छा लगता कि जिन लोगों की रिश्वत के चलते, जिन लोगों की मिलीभगत की वजह से आज हमारे बुरे दिन आए हैं, कम से कम उन पर भी कार्रवाई हो।
पर कहीं ना कहीं तो ये पूरे बिल्डर लॉबी, महानगर पालिका के लोग, पुलिस प्रशासन, ये पूरा नेक्सस जो आज मुंबई शहर में काम कर रहा है, जिस तरह से खन्ना साहब ने कहा है कि भ्रष्टाचार की गंगा को हमें साफ करना जरूरी है, मगर ये भ्रष्टाचार की गंगा कहाँ से साफ होगी, उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, इसका जवाब इस राज्य सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे लोगों को भी देना चाहिए। क्योंकि कैंपा कोला जैसे कई मामले हैं, अगर एक कैंपा कोला पर आप कार्रवाई करते हो तो पूरे राज्य में आपको पूरे 5 साल के 10 साल से अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए आपको समय लगेगा। क्योंकि हर जगह आपको हर एक कैंपा कोला मिलेगा, हर जगह आपको एक अवैध निर्माण निश्चित तौर पर मिलेगा। तो इस अवैध निर्माण के खिलाफ एक मुहिम चलती अक्सर चलाई जाती है, कंप्लेन माफिया भी होते हैं, उनके कंप्लेन पर स्लम्स में, झोपड़पट्टियों में बड़ी आसानी से कार्रवाई हो जाती है, बड़ी मछलियां क्यों नहीं आती हैं इनके दायरे में, बड़ी मछलियां कैसे छूट जाती हैं अधिकारियों की निगाहों से, छूट जाती हैं या छोड़ दी जाती हैं? निश्चित तौर पर इसमें जो बड़ी मछलियां होती हैं, इनका नेक्सस जो कई सालों से, जैसा यूसुफ पटेल नाम का जो बिल्डर था जिसने कैंपा कोला बनाने का पाप किया और उस पाप का भुगतान आज गरीब लोग कर रहे हैं, आम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ऐसे कई यूसुफ पटेल आज भी मुंबई में पनप रहे हैं। उन यूसुफ पटेल पर कार्रवाई कब होगी? अगर महानगर पालिका उन अवैध निर्माण को तोड़ने की बात करती है तो निश्चित तौर पर उन बिल्डरों पर, उन आर्किटेक्टों पर और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करना जरूरी है जिनकी लापरवाही से, जिनकी मिलीभगत से और जिनकी नजरअंदाजी की वजह से कैंपा कोला बन चुका है। तो महानगर पालिका को पहले अपने घर से सफाई करने की जरूरत है। उन अधिकारियों की सेवा अगर समाप्त हुई होंगी तो उन्हें वापस इंक्वायरी के लिए बुलाकर उन पर कार्रवाई करने का प्रावधान अब महानगर पालिका के एक्ट में है जी। इन्हें वापस बुलाकर इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और ये प्रावधान मुंबई महानगर पालिका में, इस पर हम खन्ना साहब से बात करेंगे। चलते चलते अनिल जी, आप कुछ क्या मशवरा देना चाहेंगे राज्य सरकार को, क्या मशवरा देना चाहेंगे केंद्र सरकार को और क्या मशवरा देना चाहेंगे कैंपा कोला के निवासियों को जो तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से बेघर हो चुके हैं, एक ढांचा जरूर वहां खड़ा है। निश्चित तौर पर कानूनी तौर से कोई मदद कर नहीं सकता है, मगर जब 1995 के पहले के और 2000 के झोपड़े अगर आप ऑथोराइज कर सकते हो तो कैंपा कोला भी काफ़ी पुराना है, तो उसी तर्ज पर नई पॉलिसी लाकर, जो मौजूदा पॉलिसी में कुछ प्रावधान कर अगर जो अवैध निर्माण 15 से 20 साल पुराने हो चुके हैं तो उसमें कुछ जुर्माना लगाकर, जैसे जिस तरह से कैंपा कोला में भी उस वक्त के अतिरिक्त आयुक्त ने 4 लाख रुपये का जुर्माना तय किया था, मगर वो पैसे बाद में लेने से लोगों ने इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो ऐसे मामलों में जुर्माना या नया कोई प्रावधान कर अगर हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे अवैध निर्माण कैसे न हो, किस तरह से आने वाले दिनों में अवैध निर्माणों की एक पूरी एक फहरिस्त तैयार है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध निर्माणों को भूमाफियाओं का, अवैध कॉन्ट्रेक्टरों का, भ्रष्ट नेताओं का, स्थानीय और भ्रष्ट अधिकारियों का वरदहस्त प्राप्त है। ज़रूरत इच्छा शक्ति की है अनिल जी, अगर वो इच्छा शक्ति निचले पायदान पर अगर पाई जाए तो इस तरह की ऊंची इमारतें नहीं बन सकती। चीज़ों को रोकने का तरीका अगर अधिकारी गणों के पास है, उसका इस्तेमाल सही समय पर कर ले तो ऐसी परिस्थिति से बचा जा सकता है जिन परिस्थितियों से सरकार गुजर रही है। सरकार के लिए भी ये चिंता का ही नहीं शर्म का विषय है कि वो अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रही है चाह कर भी, और विपक्ष के लिए भी ये सीख है कि किन मामलों को कितनी दूर तक कितना मदद करना चाहिए। अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सारी बातें शेयर की, चूँकि आपके कुछ और प्रायर अपॉइंटमेंट है अब आपको इजाज़त देते हैं, आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस विषय पर और भी जानकारियों के लिए हम आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी के साथ ही हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनासे जकरिया जी भी होंगे और खैरनार साहब हमारे साथ बने हुए हैं, अशरफ आदमी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात पे बात कर रहे हैं कैंपा कोला की। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस।
लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बंपर माना जाए। मरते किसान और सो किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं और गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सब की खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को टॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। क्या शुरू हुआ काउंटडाउन, क्योंकि कैंपाकोला ने कई काउंटडाउन देख लिए हैं और एक फाइनल काउंटडाउन की बारी आई है। 5 बजे तक का वक्त दिया गया था, मुंबई महानगर पालिका ने दिया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 12 तारीख तक की उन्हें अनुमति मिली थी। 12 तारीख के 5 बजे तक उन्हें मकान खाली करके चाबियाँ मुंबई महानगर पालिका को सौंप देनी थी, लेकिन जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही विभा जी से बात की, विभा श्रीनिवासन से, वहाँ के स्थानीय रहवासी, उन्होंने बताया कि एक राय से ये तय हुआ है कि चाबियाँ नहीं सौंपी जाएंगी। सो वहाँ के लोगों ने चाबियाँ नहीं सौंपी हैं, वो आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये उम्मीद जगी थी कि शायद राजनेताओं से के बीच से कोई निकल कर आएगा और इस मामले की मध्यस्थता करते हुए कोई बीच का हल निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों के आश्वासनों पर जीने वाले वहां के निवासी अब दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तकनीकी रूप से वो बाहर हो चुके हैं, कानून ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मानवीयता की उम्मीद जिन लोगों से है उन्होंने अपने आप को इस मामले में शामिल होने से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोक रखा है, और कुछ ने इस मामले में इसलिए हाथ उठा दिए हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई चीज़ बचती नहीं कहने के लिए, लेकिन सरकार चाहे तो रास्ता निकाल सकती है, ये विशेषज्ञों का मानना है। इस विषय पर हमारे साथ अल नासिर जकरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अशरफ आजमी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और नगर सेवक बने हुए हैं हमारे साथ। हमारे साथ मुंबई महानगर पालिका के पूर्व डैशिंग उपायुक्त खैरनार साहब भी हमारे साथ हैं। नासिर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नासिर साहब हमारे साथ खैरनार साहब हैं, अशरफ आजमी साहब हैं, कुछ देर पहले तक हमारे साथ अनिल गर्गली जी थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे। बात कैंपाकोला की हो रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे कैंपाकोला की स्थिति इस तरह की वहाँ के निवासियों की बन गई है कि वो अब दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इतने वर्षों से जिस आशियाने में वो रह रहे थे, कानून के दायरे में न होने के कारण, कानून का उल्लंघन किए जाने के कारण, ऐसे कारणों से उन्हें बेदखल किया जा रहा है उनके घरों से, उनके मकानों से, जिसके जिम्मेदार अगर वो खुद भी हैं जाने अनजाने,
उससे बड़े जिम्मेदार महानगर पालिका के वो भ्रष्ट अधिकारी है जिन्होंने उस पर कार्रवाई तत्कालीन जब बिल्डिंग बन रही थी तब नहीं की, और वो लोग भी उसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया। सरकार की तरफ उम्मीदें जगी थी, सरकार को इस मामले में पहल करना था, सरकार के शामिल कुछ लोग इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण से उनकी मदद करते भी नजर आए, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। अब स्थिति फिर से उनके खिलाफ है। क्या कर रही है सरकार, क्या कहना है आप लोगों का? सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पक्ष की सहानुभूति वहाँ के रहवासियों के साथ है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका पालन करना ये हम सबका कर्तव्य है, और इंसानियत के नाते उनको महानगर पालिका ने, महाराष्ट्र शासन ने काफ़ी कुछ समय दिया, लेकिन समय आपकी बात में सच्चाई भी है, थोड़ी कड़वी है वो सच्चाई, लेकिन बात तो सही है आपकी कि वक्त दिया, मुंबई महानगर पालिका ने भी वक्त दिया, सरकार ने भी वक्त दिया, लेकिन वक्त वो दिया जो उन्हें नहीं चाहिए था। उन्हें वक्त चाहिए था उनके आशियाने को बचा लेने का, उन्हें वक्त वो मिला है कि वो मकान खाली कर दे। बिल्कुल, क्योंकि जब हम जिस मुल्क में रहते कानून का अगर हम जैसे लोगों ने उल्लंघन किया, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कैंपाकोला के लोग कॉपरेट भी करेंगे, और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि विद इन द लीगल फ्रेमवर्क अगर कुछ ऑप्शंस हमें मिलते हैं हम उसे भी परस्यू करेंगे। जी, मुख्यमंत्री का अगर ये कहना है कि अगर लीगल कुछ इस मामले में मामला बनता है तो मदद करने को वो तैयार है। खैरनार साहब से जानना चाहेंगे, खैरनार साहब आप एक ज़माने में एक डैशिंग अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं, आपने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, आपने बड़े बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, उस दौर में कार्रवाई करते वक्त उस वक्त के अनधिकृत निर्माण कार्य भूमाफिया जिस तरह से किया करते थे, अपने आप में क्या ये भूमाफियाओं का मामला नहीं बनता? और उस बिल्डर पर, उस बिल्डर के जितने आश्रित हैं, क्या उन पर उस पूरे, चाहे वो गुप्ता रहे हों, यूसुफ पटेल रहे हों या अन्य लोग रहे हों, उन पर और उस जमाने के अधिकारियों पर कार्रवाई ना हो कि ऐसे 102 मकानों को बिल्कुल से अनधिकृत करवा कर और आज इतने वर्षों के बाद उन्हें बेघर किया जा रहा है उनकी लापरवाही के कारण? देखिए, हमारे अधिकारी, महापालिका के अधिकारी और राज्य शासन ये ड्रामा कर रही है कि लोगों को मदद करने की वो सोच रहे हैं या उस पर ध्यान दे रहे हैं। असलियत में लोगों को मदद करने की व्यवस्था कानून में है, परंतु कानून के ठेकेदार जो है उनको मदद नहीं करनी है, कानून का उपयोग नहीं करना है। वैसे भी आपको लगता है कि इस मामले में कुछ इस तरह की चीजें हो सकती थी? वैसे भी आता हूँ जी। इस बम्बई में दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग ने 6000 अवैध बांधकाम किए हुए है, जो वार्ड से हमने रिपोर्ट मंगवाया था, उसमें से 100 से ज्यादा बिल्डिंग है जिसमें 4-4, 5-5 माले की बनी हुई है, और ये सभी इल्लीगल है, कानून से या कोई मंजूरी लेकर नहीं है। परंतु मुझे जब ये काम सौंपा गया था कुछ कारणवश, तो मेरे समय में 30 बिल्डिंग तोड़ी है, और बिल्डिंग तोड़ने का नतीजा ये हुआ कि मुझे निलंबित कर दिया गया था उस समय। उसके बाद एक भी बिल्डिंग आज तक टूटी नहीं है, न उसके पहले टूटी है, वही के सभी बिल्डिंग जैसे कि वैसे है, सभी अवैध बांधकाम जैसे कि वैसे है। और हमारे महापालिका आयुक्त का बयान है कि 50,000 ऐसे अवैध बिल्डिंग बम्बई शहर में है, वो तोड़ने का क्या प्रोग्राम है उनको मालूम। अच्छा, झोपड़ों पर कार्रवाई करना बड़ा आसान होता है खन्ना साहब, अधिकारियों के लिए सवाल आसान के लिए इसका नहीं है, सवाल पैसे का है। इजी टारगेट होते हैं वो, जो झोपड़ का दादा उनको पैसा देता है वो झोपड़े नहीं टूटते हैं जी, नहीं तो वरना आज मुंबई में जो झोपड़पट्टी है वो 10-15 साल जितनी उससे कहीं ज्यादा है, तो ये हमेशा बढ़ती जा रही है जी। ये तो सिर्फ 102 है, ये 102 मकानों का मामला है, तो उस पर भी आता हूँ ना जी। थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँ जी। इसी पे अशरफ भाई से भी बात कर लेते हैं, आते हैं खैरनार साहब आपके पास। अशरफ साहब, ये बताएं कि आप लोग नगर सेवक हैं, इस तरह के कई मामले आप लोगों की भी नजर में आते होंगे, आप लोग इंप्रूवमेंट कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में, अन्य कमेटियों में, लॉ कमेटी में, गार्डन कमेटी में, मार्केट कमेटी में, जितनी कमेटियां हैं
नगर सेवक कहीं ना कहीं अपॉइंटेड होते हैं, आप लोग अपने कंप्लेंट्स वगैरह रखते हैं, कहीं मदद के लिए भी आगे आते हैं। आपने पाया है कि अधिकारियों का रवैया कुछ विशेष मामलों में विशेष तरीके का होता है? बिल्कुल, इसमें ये सच्चाई है और इसको मानने में कोई हर्जा भी नहीं है कि जिस तरह से जो हालात जो परिस्थिति के ऊपर मामलात रहते हैं उस पर कुछ ना कुछ रास्ते नहीं। देखिए, अगर 50,000 से ज़्यादा बिल्डिंग महापालिका आयुक्त के बोलने के हिसाब से है मुंबई शहर में, और जानकारी के हिसाब से 56,000 के करीब अगर इतनी बिल्डिंगें जो है वो अनऑथराइज है, तो इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसको हम रोकने में नाकाम हैं। और ये अक्सर मैं तो कॉरपोरेशन में कई बार इस बात पर चर्चा भी करवा चुका हूँ, मैं खुद भी बोलता हूँ कि अगर मैंने कोई कंप्लेंट की है और मैंने किसी के बारे में ये कहा कि भाई यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है और आप इस पर कार्रवाई कीजिए, मेरे उस ऑफिस से बाहर निकलने से पहले, मेरे टेलीफोन बंद करने से पहले अगर मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो संबंधित लोगों को ये जानकारी मिल जाती है कि नगर सेवक की कंप्लेंट आ गई है। और इस तरह से जो हालात पैदा होते हैं उस पर जान का भी खतरा होता है। मैं जब पहली बार किसी विषय पर अपने इम्प्रूवमेंट में इस तरह की चर्चा कर रहा था तो मेरे बगल में बैठे एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, हमारे नए साथी को आप संरक्षण दीजिए। तब मैंने सोचा संरक्षण क्यों दीजिए भाई, मैं तो सक्षम हूँ अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप अपनी जान सारे मामलात को बचाकर आपको कुछ भी करना है। कानून अपने काम को करता उस वक्त है जब तक के मामला लोगों के सामने ना आ जाए, उसके पीछे के मामले को लोग कर रहे हैं। आज हालात जो भी हैं, आज झोपड़पट्टी पे ले लीजिए, आपने कहा जैसे आज ले लीजिए झोपड़ों पे कार्रवाई फौरन होती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बड़ी इमारतों पे बहुत इतनी तुरंत नहीं होती। खैरनार साहब ने की है, उनके ज़माने में हुई है, लेकिन उसके बाद इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं। अगर वो कार्रवाई होती तो आज 50,000 बिल्डिंगें जो है वो उसके बाद मामला ही रुक गया। नहीं खड़ी, आपके जितनी कार्रवाई आप कर चुके हैं उसके बाद में किसी बड़ी बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई हुई नहीं? देखिए, ये सब पूरा इतिहास मेरे पास है जी। मैंने बहुत, जहाँ डिमोलिशन करने की आवश्यकता है वहाँ बहुत डिमोलिशन किया भी है, जहाँ डिमोलिशन करना उचित नहीं था वहाँ कहीं झोपड़पट्टी बिल्डिंग मैंने बचाई है। मेरा कोई अलग सिद्धांत था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि दाऊचिप की बिल्डिंग कोई तोड़ नहीं पाया है। आप अगर आपको कहेंगे और मुझे कोई कहेंगे या मुझे अधिकार देंगे तो मैं एक भी बिल्डिंग आज भी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि वो अभी ऑक्यूपाई हो गई है। लोगों ने पैसा डालकर अपना अपना अकोमोडेशन रूम वहाँ ले लिया है, अभी तोड़कर कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब बन रही थी और जब बेची गई तभी करोड़ों अबजों रुपया इन लोगों ने जमा किया है गुंडों ने, और वो देश में फिर खराबी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया है, तो अब तोड़ेंगे तो क्या फ़ायदा है। वैसे कैंपा कोला के संबंध में अगर विचार किया जाए तो उस समय तीन बिल्डर जो थे उसमें सही मायने में यूसुफ पटेल एक ही बिल्डर था मेन, और यूसुफ बिल्डर कौन है ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस बम्बई का सबसे बड़ा स्मगलर और वो महापालिका के अधिकारी और सरकार के मंत्री और नेतागण को खीसे में रखने वाला आदमी है। ऐसे में जब वो बन रहा था वो ऊपर की कार्रवाई होती है, नोटिस देने की, काम बंद करने की, वैसे कुछ तो भी दिखावा करने के लिए आपको लग रहा है कार्रवाई को होती है। अधिकारीगण जो मदद करने के नाम पर ऐसा लग रहा है कि मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, वो नेतागण जो मदद करने की पूरी इलीगल इंडस्ट्री पैसे पर टिकी हुई है, भ्रष्टाचार पर टिकी हुई है। हमारे साथ करण साहब है, स्थानीय निवासी, कैंपा कोला के निवासी, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं। करण साहब, 5 बजे की मियाद खत्म हुई, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? क्या आप लोगों को अब भी उन राजनेताओं पर भरोसा है जिन्होंने अब तक आप लोगों को आश्वासनों पर रखा? हाँ, हमें डेफिनेटली, मतलब एक चीज तो पक्की है कि हमने किसी ने भी चाबी नहीं दी है जी, और हम घर छोड़ के जाने भी नहीं वाले हैं। बीएमसी को जो कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं, और डेफिनेटली हमारी अभी भी राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों से उम्मीद बढ़ी हुई है कि वो हमारी आके मदद करेंगे। हम गलत नहीं, हमारा लड़ाई चालू रहेगा। और आप लोग जो बोल रहे हैं जैसे कि मतलब अभी भी वो मदद कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का आदर्श रहेगा, लेकिन काफी जगह में, चाहे आप बॉम्बे में आदर्श सोसाइटी लीजिए, चाहे आप उल्लासनगर लीजिए, बल्कि आज में सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार के फेवर में जजमेंट दिया था, जिसको महाराष्ट्र कैबिनेट ने उलट के बोला कि वो जजमेंट नहीं माना। तो पूरा हक है सीएम और राज्य सरकार के पास कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होने के बाद भी वो अपना अलग मतलब कानून बनाए।
और यहाँ जब अगर आप 2000 तक स्लम्स रेगुलराइज कर सकते तो आप बिल्डिंग्स तो क्यों नहीं कर सकते जी। अभी और अभी तो करण साहब हाउस भी चल रहा है, सेशन चल रहे हैं विधानसभा के, विधान परिषद के, क्या इस मामले में स्थानीय लोगों से आप लोगों की बातें चल रही है और उनकी भूमिका लगती है? जिस तरह से डांस बार को लेकर उनकी भूमिका राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अलग लग रही है, माननीय कोर्ट के आदेश को वो लोग अपने तरीके से उसकी संरचना कर रहे हैं, अपने नए तरीके से उसका जवाब देने की तैयारी में है, क्या कैंपा कोला की तरफ से ऐसा लग रहा है कि उनकी भूमिका में कुछ बदलाव आया है? क्योंकि अगर आज आप लोग चाबियां सौंप देते या आगे वाले दिनों में किसी तरह की कठोर कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ होती है तो क्या इन लोगों की मदद की आपको उम्मीद है, आस है, या कुछ लोग सामने आए हैं? देखिए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ खाली पब्लिक हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, जो ऑपोजिशन है सरकार में वो हमारे साथ है, जो कांग्रेस के खुद लीडर्स है वो हमारे साथ है, एनसीपी के लीडर्स है वो हमारे साथ है, जो सब मिनिस्टर है वो हमारे साथ है एक चीफ मिनिस्टर को छोड़ के, तो उन्हें अभी करने में क्या तकलीफ हो रही है? करण जी, क्या आपको लग रहा है कि ये एक व्यक्ति इतने व्यक्तियों से बड़ा बन गया है? उन्हें मुझे देख के तो ऐसा ही लग रहा है, क्या कारण है उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली लग ऐसा ही रहा है। सचमुच में ये मिस्टर क्लीन है? हमें नहीं लगता, ये हमें नहीं लगता वो, हमें हम अब चाबियों को, अब चाबियों को लेकर क्या स्थिति है आप लोगों के पास? चाबी हमने किसी ने नहीं दी है और हम देंगे भी नहीं, हमारा हमारा घर है, हमारा हक है, हम चाबी नहीं देंगे, चाबी बिल्कुल नहीं देंगे जी। करण जी, हम आपसे इस विषय पर लगातार संपर्क में बने रहेंगे, किसी भी अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे करण जी हमारे साथ, कैंपा कोला के निवासी। जकरिया साहब, आपने सुना, आपको पुराने स्थानीय सांसद, विपक्ष के लोग, वर्तमान सांसद जो कैंपा कोला जिनके लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आता है, वो विपक्ष के कई बड़े नेता आप देख रहे हैं, खैरनार साहब जैसे लोगों की सहानुभूति है, अशरफ साहब जैसे लोगों की सहानुभूति है, आप जैसे लोगों की, आपके अन्य नेताओं की सहानुभूति होते हुए भी मुख्यमंत्री के नाम से किस कदर वहाँ पर नाराजगी है एक व्यक्ति को लेकर? क्या सचमुच में ये एक व्यक्ति की जिद की वजह से मामला इतना खींचा जा रहा है और इस मकाम पर पहुंच गया है कि लोग बेघर हो जाएं? इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, लेकिन सलमान जी अगर आप इसको होलिस्टिकली देखिए, इसको पर्सपेक्टिव में अगर आप देखिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है, नंबर वन। उदाहरण भी दिया उन्होंने नंबर जी, दूसरे पर आते हैं, एक उदाहरण दिया आप ध्यान में रखें, आप दूसरा भी आंसर दे दें, दोनों पर दें। एक उदाहरण उन्होंने डांस बार वाले मामले पर दिया है, जिस पूरे आदेश को निरस्त करने की बात चल रही है माननीय न्यायालय के, कैबिनेट ने और सरकार ने उसे मानने का मन नहीं बनाया है और उसके खिलाफ जा रही है, क्या इस मामले में भी नहीं हो सकता था? अब आप दूसरा जवाब भी दें और इसका भी जवाब दें जी। जकरिया साहब, नहीं, डांस बार के ताल्लुक से मैंने अभी डिटेल्स इतनी मेरे पास नहीं है, लेकिन कैंपा कोला के रेजिडेंस के जहां तक ताल्लुक है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने क्लियरली कहा है कि जो कोर्ट के लीगल फ्रेमवर्क में हम अभी भी ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अब वो नहीं चाहते हैं कि एक प्रेसिडेंट सेट करे, वो नहीं चाहते कि अगर एक प्रेसिडेंट सारे राष्ट्र सारे राज्य में हो कि हमने एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को लीगलाइज किया। इसमें पर्सनली सीएम सिर्फ कोर्ट के डिसीजन को पालन कर। बात तो समझ में आती है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते किसी तरह का धब्बा, किसी तरह का दाग उन पर या उनकी सरकार पर आए, लेकिन उसी सरकार में शामिल लोग अगर चाहते हो कि चलिए इनकी मदद की जानी चाहिए और इनकी मदद करते हुए अन्य अनधिकृत काम जो अब से शुरू हो रहे हैं उन पर कार्रवाई होती रहे, तो एक बीच का रास्ता निकल सकता था, पर ऐसा कुछ अभी तक लगता नहीं। और चाबी सौंपने की तारीख और दिन और समय भी गुजर गया। जकरिया साहब जी, सलमान साहब, अगर जो इंडिविजुअल देखो, यहाँ तो कैंपा कोला के रेजिडेंट्स मैं समझता हूँ ज्यादा एजुकेटेड है और प्रोफेशनल्स है, पढ़े लिखे हैं, और बॉटम लाइन वो इंसान भी है, लेकिन उन्होंने ये समझना चाहिए कि हम जिस देश में रहते
वहां का कानून का उल्लंघन कैसा कर सकते हैं? उनको काफी ऑप्शंस मिले, स्टेज मिले, टाइम लिमिट मिला, लेकिन अभी वो अगर जिद करके बैठे हैं तो उनकी हित में नहीं है। और ये कानून का तुम उल्लंघन करे, वो भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट का तुम वायलेशन करो, तो ये सोल्यूशन नहीं है। अगर कुछ कुछ आपकी बात में थोड़ी सच्चाई तो है, बात में दम भी है, लेकिन उसका एक मानवीय पहलू है, और वो मानवीय पहलू जानते हुए कि इस मामले में दोष इनका नहीं है, सरकार चुनी क्यों जाती है, सरकार के प्रतिनिधि होते क्यों हैं, विधायक और सांसद होते क्यों हैं, ऐसे कठिन समय में ही आपके घर की, हमारे घर की, हमारे साथियों के घर की रोजी रोटी तो कोई नगर सेवक, विधायक और सांसद नहीं चलाता, ऐसी कठिन परिस्थिति में ही परीक्षा होती है जनप्रतिनिधियों की। क्या आपको नहीं लगता कि इन परिस्थितियों में हमारे जनप्रतिनिधि कमजोर साबित हुए, उन 102 लोगों की उम्मीदों पर वे खरे नहीं उतरे? नहीं, बल्कि हमारे कांग्रेस के कई एमपीज, कई लीडर्स वहां गए, मिलिंद देवरा जी खुद गए, प्रियादत्त जी गए, और सीएम के साथ कम्युनिकेशन हुआ इस इशू पर। लेकिन एक यही है कि अगर यानी मेरी ये थिंकिंग है और फीलिंग है कि अगर हमने, सीएम ने एक डिसीजन इस मामले में लिया, तो ये एक प्रेसिडेंट सेट होगा सारे इललीगल कंस्ट्रक्शंस को लीगलाइज करने का। जी जगरे साहब, जब आप नहीं आए थे, इस विषय पर भी हमने बात रखी थी कि एक शायद सरकार के मन में एक डर और खौफ है कि अगर हमने इस मामले में मदद कर दी तो ये एक नजीर बन जाएगी, और इसी को आधार बनाकर अन्य अनधिकृत जगहों को भी रेगुलराइज करने का प्रयास किया जाएगा, ये एक डर तो जरूर है सरकार के मन में। क्या खैनर साहब, ये डर सरकार का सही है? अब देखिए, कानून के मामले से उन्हें घर छोड़ देना चाहिए, चाबियां सौंप देते हैं, मान लीजिए सबके सब लोग, और घर छोड़कर चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लेकर ये चले जाते हैं, नुकसान किसका है? ये देखो, यहाँ डर का कोई प्रश्न नहीं है, मदद करनी नहीं है, इसलिए ये सब डर दिखाया जा रहा है। एक तो कानून में कहा आता है कि अपने फ्लैट का चाबी महापालिका को दे दीजिए, कौन सा कानून बोलता है कि चाबी वापस करो? तो ये कानून में नहीं आता है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, इसके पहले महापालिका आयुक्त ने पेनल्टी तैयार वर्कआउट करके बोला था कि हम रेगुलराइज करने के लिए तैयार है, इतना पैसा भरो। उस समय बिल्डर ने कुछ पैसा भरा, बाकी डिस्प्यूट के आगे का पैसा नहीं भरा, और उसका परिणाम अभी आज हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा, ये जो है ये सब बहाना है। जिकरिया साहब नए नए अभी प्रवक्ता बने हैं, उनको काफ़ी जानकारी लेनी होगी सरकार से, नियम कानून की जानकारी लेनी होगी। जैसे कि उल्लासनगर है, पिंपरी चिंचवड़ है, ऐसे कई जगह है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार ने कानून बनाकर इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया है, अवैध बांध काम को जी। और ऐसा कोई महानगर पालिका में ऐसे कई कोर्ट के इंजंक्शन होंगे, हंड्रेड्स थाउजेंड्स में हो सकते हैं, कई जगह के मामले नजरों में हमारे आते हैं। हाँ, और अगर अगर देखा जाए, ये सब निकाला जाए जानकारी पूरी पहले से, तो मुझे लगता है 100 में से 10% भी इन लोगों ने कोर्ट का पालन नहीं किया होगा, सरकारी अधिकारियों ने। हाँ, नहीं किया होगा। और जनप्रतिनिधियों की भूमिका क्या नजर आती है आपको? क्योंकि देखिए, आपने बहुत करीब से जनप्रतिनिधियों को देखा है, उनके कोप का भाजन भी बने हैं, और उनका लाड दुलार भी अच्छे लोगों का पाया है। कोप तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मुझे ये बांधकाम करने के कारण मुझे मारने की भी बात की गई थी, और कोई गुंडों ने नहीं, हमारे जो मुख्यमंत्री थे उस समय के, वो मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े नेता को, राज्य के नेता है आज वो, बड़े उनको बहुत मानते हैं, उन नेताओं ने उनके घर में बुलाकर मुझे कहा गया था, देखो ऐसे ऐसे कारण की वजह से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनको ठिकाने लगाना चाहिए, और मैं आपको ठिकाने लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये विवशता है। और उसके बाद महीना दो महीने अशोक साहब मुझे अगर कोई अधिकारी गोलियां चली है जी, तो ये क्या ये छोड़ो, ये राजनीति का छोड़ो, वो बात राजनेताओं से तो लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है अशोक साहब। देखिए ऐसा है जी, ये लोकतंत्र है, और इस मुल्क की जो रूह है वो लोकतंत्र पे टिकी हुई है जी। इस मुल्क के लिए खुशकिस्मती इसी बात में होगी कि लोग जो है इस तंत्र पर अपना विश्वास कायम रखें,
कानून के मामले को लेकर जो कुछ भी महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आज अपने इलेक्शन के वादों को लेकर आपकी नहीं समझ में आती, एक बात हमारी भी समझ में नहीं आ रही है कि अधिकांश विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, विपक्ष के लोग, मीडिया के लोग, रिटायर्ड अधिकारी, समाज सेवी, मानवाधिकार संगठन, सभी लोग अगर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री की ऐसी क्या जिद है, इतनी इतना क्या उनकी कमीज उजली है कि छींटे उड़ने के डर से वो मदद करने से कतरा रहे हैं? ऐसा नहीं है सलमान भाई, इसमें मामला ये है, पहले तो आप एक बात समझ लें कि लोकशाही के माने ये होते हैं कि लोगों के लिए लोगों का राज, और लोगों के लिए लोगों के राज में रोटी, कपड़ा और मकान हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब 102 लोगों को बेघर कर किया जा रहा है, इतने बड़े आशियाने को डेमोलाइज करके इतने बड़े तादाद में 1500 लोग जो है बेघर होने जा रहे हैं। सरकार ने अपने इलेक्शन में बहुत से ऐसे वादे करती हैं, करके आती हैं, घर देंगे, ये देंगे, अगर कोई और रास्ता अगर उनके लिए निकलता तो उसकी बात करते कि भाई चलिए हम आपको यहाँ नहीं रोक सकते, आइए हम आपको कहीं मुदबादी लिया, मतलब जो है वो पर्याय जगह देते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं, उसमें हम मदद करते हैं, थोड़ा सा आप करिए, थोड़ा हम करें, और आशियाना बनाइए दूसरी जगह पे, या ये खरीदिए। सरकार ने जो कुछ भी किया वो ये देखिए, मैं आया हूँ टेलीविज़न पे, मैंने अपनी बात रखी, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि मेरी हमदर्दी उनसे है, लेकिन मैं अपने हाईकमान के सामने कितनी ज़ोर से उसकी वकालत कर रहा हूँ ये बहुत अहमियत रखती है बात। आज मेरी अगर एक टिकट कट जाए, अगर मैं कांग्रेस में हूँ और मुझे लगे कि अब अगली टिकट मुझे नहीं मिलेगी, तो मुझे 10 जनपद का रास्ता मालूम है। जब आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप हाईकमान के पास क्यों नहीं गए? पिछले 6 महीने से जो कुछ भी हो रहा है पूरा मुंबई शहर देख रहा है, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, डरे सहमे लोग जो है रोज छत उजड़ने का इंतजार दिन ब दिन करते जा रहे हैं, और ये लोग बैठ कर ये बोलते हैं कि भाई हम लोग ये करने वाले और ये करेंगे। आप सिर्फ इतना अशरफ भाई का कहना यही है कि आपके यहाँ भी सुनवाई, आखिर कोर्ट की लड़ाई लड़ते लड़ते मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, एक मुख्यमंत्री न सुन रहा हो, उसके अपने मजबूरियां भी, हम चलिए उनके नजरिए से सोचते हैं, उनकी अपनी मजबूरी होगी, उनका अपना नजरिया होगा कि गलत काम को अभी चूंकि तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अगर ठहरा दिया है कि ये अवैध है, तो चलिए मुख्यमंत्री साहब ने भी मान लिया कि ये अवैध है, पर जब उसमें रास्ते निकलने की, खैरनार साहब जैसे अधिकारी को ये पता है कि उसमें रास्ता निकल सकता है, अशरफ साहब जैसे नेताओं को ये पता है कि उसमें रास्ता निकाला जा सकता है, आपको और आप जैसे मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले आपके पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक और कई नेताओं को पता है कि कानूनी रास्ता निकल सकता है, तो क्यों नहीं आपके केंद्रीय नेता, आपके केंद्रीय लोग इस मामले में, कब, जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? आखिर सब कुछ तो लुटा ही चुके हैं केंद्र से, अरे अब राज्य सरकार तो बचाने की बारी है, इस पर तो ध्यान दीजिए। सलमान साहब, इसमें हम रहे या न रहे वो इशू नहीं है, इशू ये है कि चीफ मिनिस्टर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ये वो एक जिम्मेदार शख्स है। अगर डिसीशन मेकिंग में कभी कभी एक लीडर को कभी कभी टफ डिसीशंस लेना पड़ता है, कठोर डिसीशंस लेना पड़ता है, उससे लोग नाराज होते हैं, फाइन, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लीडरशिप है, लेकिन लोगों ने उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप इमोशनली इसको थिंक करेंगे, आप इसको एक अलग दिल से सोचेंगे, लेकिन कानून का उल्लंघन करेंगे, ये उसका सलूशन नहीं है। अब जब खैरनार साहब कह रहे, बिल्कुल मैं नया प्रवक्ता हूं, लेकिन जो मैंने ये जो मामला मैस हुआ, इसके जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स है और अधिकारी है, उनको जैसे कार्रवाई की जा रही कैंपाकोला के रेजिडेंस पर, उससे कठोर कार्रवाई इनको तो बीच सड़क में हैंग करना चाहिए। उस वक्त जो ब्यूरोक्रेट्स थे, अभी एक सही मुद्दे को आपने छुआ। लेकिन ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, कभी-कभी टफ डिसीजन लेना पड़ता है। चलिए उसे हम मानते हैं, एक सही मुद्दे को आपने छुआ है, उनके जख्मों को थोड़ा सा मरहम लगता प्रतीत होता अगर उन अधिकारियों पर और उन बिल्डरों के बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर जितने लोग उसमें शामिल थे, अगर उन पर कुछ ठोस कार्रवाई होती नजर आती तो शायद उन्हें थोड़ा सा, उनके दर्द में थोड़ा सा आराम जरूर मिलता, उन्हें दूसरों का दर्द देखकर शायद उन्हें भी लगता कि नहीं, अगर हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हम पर कार्रवाई हो रही है, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है जो इस मामले के पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। पर वो लोग बेदाग हैं, छूटे हुए हैं, अपने अपने घरों में हैं, अपने मकानों में हैं,
मकान से बेघर वो लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से अपना आशियाना बसाया था। क्या होना चाहिए? नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारी सहानुभूति इंसानियत के नाते उन लोगों के साथ है। इंसानियत के नाते आप खैरनार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं चलते चलते, क्योंकि समय अभाव है हमारे साथ। जी खैरनार साहब। नहीं, नहीं, मुझे तो जाना है, मेरे पास बहुत है और एक दो चार मिनट में बस एक मिनट का समय आपसे कंक्लूड करना चाहेंगे। अशरफ साहब, बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन चूंकि सीनियरिटी का भी ख्याल करते हुए और उनके सेवाओं के सदके में भी हक बनता है, खैरनार साहब इसे कंक्लूड करें। खैरनार साहब बहुत संक्षेप में देखिए, ये मुख्यमंत्री का भी मामला नहीं, ये केवल सादा सीधा मामला है जो म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में है। म्युनिसिपल कमिश्नर चाहे तो अभी उनकी मदद कर सकता है और कानून है, कानून के तहत रेगुलराइज किया जा सकता है। मुख्यमंत्री से इंटरव्यू करें सुप्रीम कोर्ट ने। अब उम्मीद करते हैं जकरिया साहब अपने अपने साथियों के साथ अगर मानवीय दृष्टिकोण को थोड़ा सा भी प्राथमिकता देते हुए कानून में कोई भी रास्ता निकल सकता हो। और अच्छी बात यह है कि जकरिया साहब खुद लॉ ग्रेजुएट भी है और इस मामले के जानकार भी है। जकरिया साहब एक मिनट, एक सीधी बात है ना, ये जो जमीन है वो महानगर पालिका की है, कैंपा कोला को इंडस्ट्री के लिए दिया था, अभी कैंपा कोला ने दूसरे को दिया है। वहाँ अगर अवैध बांधकाम बनाया हुआ है तो महानगर पालिका ये लीज कैंसिल कर सकती थी। अरे वहाँ सोसाइटी बनी है, अगर महापालिका ये जमीन सोसाइटी के नाम पर कर देती है तो सोसाइटी को मैं बोलूंगा कि तुम सब डोट डालो और नया बिल्डिंग बनाओ, खाली कंस्ट्रक्शन का कास्ट रहेगा जी, लेकिन मदद तो नहीं कर रही है तो क्या करें। ये एक रास्ता निकल सकता है, एक बहुत शॉर्टकट रास्ता बताया खैरनार साहब ने। खैरनार साहब आपका, अशरफ साहब आपका और जकरिया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात कैंपा कोला की नहीं है, बात ऐसे कई अनधिकृत निर्माण कार्यों की है जिस पर सरकार को सख्त होना चाहिए, लेकिन सख्त 102 फ्लैट धारक हुए हैं जिन पर ये कार्रवाई होती नजर आ रही है। देखते हैं इस पूरे प्रकरण पर क्या निकल कर आता है, रास्ते बहुत है, रास्ते तलाशने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री इसमें कोई रास्ता तलाशेंगे और उजड़ने वाले आशिया को फिर से बसाने में मदद मिल सकती है। एक आशियाना उस तरह का भी हो सकता है कि उसे तोड़कर दोबारा बनाया जाए और कोई ना कोई जरूर रास्ता निकलेगा, जैसा कि खैरनार साहब ने बताया। फिलहाल के लिए मुद्दे की बात में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज। समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज़।